जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि पाकिस्तानी मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पर है, एमरजेंसी रूम में है और इसको एक वक्त में एक से ज्यादा बीमारियां लग चुकी हैं, जिनमें सबसे बड़ी बीमारी हमारा डेफिसिट है। हमारा खसारा है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि हमारे से वो मैनेज नहीं हो पा रहा। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो पाकिस्तान में जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है और हर अगले दिन रुपए की कदर में कमी और डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, जिससे दो नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनमें पहली जो है वो इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन ने आम बंदे की जिंदगी बहुत मुश्किल कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि इस वक्त कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, और जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता तो उससे मजीद मसाइल जन्म ले रहे हैं और इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रही है। और इस सूरत हाल में हमारे पास सर्वाइवल के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है IMF का। IMF हमारे जो इस सिचुएशन है इसमें एज अ एंटीबायोटिक काम कर सकता है, एज अ एक वो जिस तरह कहते हैं कि एनर्जी बूस्टर के तौर पे काम सिर्फ कर सकता है, लेकिन ये हमारी इकोनॉमी को भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए IMF के पास जाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ $3 बिलियन के रिजर्व पड़े हैं, जिससे हम सिर्फ 2 हफ्ते की इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब IMF के पास जाने के लिए IMF ने पाकिस्तान में 4 कंडीशन रख दी है। अगर हमने IMF से लोन या एक छोटी सी अमाउंट भी लेनी है तो IMF की 4 कंडीशन पूरी करनी होगी, और अगर वो कंडीशन पूरी करे फिर भी हालात मुश्किल हैं, और अगर 4 कंडीशन पूरी ना करे फिर उससे भी ज्यादा मुश्किल हालात होंगे। और IMF की सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने एक्सचेंज रेट को मैनेज नहीं करना, आपने एक्सचेंज रेट को मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस पर छोड़ना है, इसको आर्टिफिशियली मैनेज नहीं करना। और जब हम उसको मैनेज नहीं करेंगे तो एक्सचेंज रेट जो एकदम से आपने पिछले हफ्ते देखा है वो 250 को क्रॉस कर चुका है और रोजाना उसमें 5-6 रुपए इजाफा हो रहा है, और इस इजाफे को अगर हम रोके नहीं या आर्टिफिशियली मैनेज ना करें तो अगले एक महीने के अंदर अंदर डॉलर जो है वो इजिली 300 रुपए को क्रॉस कर जाएगा। और जो ही डॉलर या एक्सचेंज रेट बढ़ेगा उसका सबसे बड़ी जो बीमारी है वो ये कि हम हर चीज, हम कंज्यूमर सोसाइटी हैं, हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, और जब इंपोर्ट करते हैं तो हर चीज की कीमत में इजाफा होगा, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान में पेट्रोल की प्रोडक्ट्स जो है वो महंगी होगी। और जो ही डॉलर की वैल्यू बढ़ती है ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में टैक्स ना भी लगे तो पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हो जाती हैं। और दूसरे नंबर पर IMF की जो कंडीशन है वो ये है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। जब बिजली और गैस की कीमतों में हम इजाफा करेंगे तो उससे सारे का सारा बर्डन अगेन गरीब बंदे पर पड़ेगा, और उस कीमतों में इजाफे के लिए IMF ये भी कहता है कि आप सब्सिडी कम करो, सब्सिडी कम करो, क्योंकि वो कहते हैं ऑलरेडी आप लोगों के जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो आप सब्सिडी को जब कम करोगे, टैक्स को बढ़ाओगे तो आपका रेवेन्यू कलेक्ट होगा, लेकिन उस रेवेन्यू कलेक्ट होने से कितने गरीब लोगों का चूल्हा जो है वो बंद होगा, इस पर वो नहीं सोच रहा। IMF की तीसरी बड़ी कंडीशन ये है कि पाकिस्तान में टैक्स रेट बढ़ाया जाए, हर चीज पर टैक्स बढ़ाया जाए। ऑलरेडी पाकिस्तान में एक चीज पर मल्टीपल टाइम टैक्स लग रहा है और हर कोई बंदा उसमें टैक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा दे रहा है। IMF कहता है टैक्स रेट मजीद बढ़ाया जाए ताकि आपका रेवेन्यू जनरेट हो और आपके एक्सपेंसिस मैनेज हो, लेकिन ये जो टैक्सेस हैं अगेन इसका जो सारे का सारा बर्डन है वो भी आम आवाम पर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में तकरीबन 78% ऐसे लोग हैं जो एक दिन में $5 भी नहीं कमा पाते। जब 78 मतलब मेजर पोर्शन जो पाकिस्तान का है वो वल्नरेबल है, वो मिडिल इनकम पर है, और उन पर जब टैक्स लगेगा तो उनकी बुनियादी जो जरूरियात की अशिया है वो भी उनकी पहुंच से दूर हो जाएगी। और IMF की चौथी कंडीशन ये है कि आप लोगों ने जो बिजली, जो गैस या बाकी कंज्यूमर आइटम्स हैं इनको पिछले 6 माह के हवाले से जो सर्कुलर डेट बढ़ चुका है उसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की तरह का इन पर नया टैक्स इम्पोज किया जाए, और पिछले 6 महीने वो कहते हैं जो आपने हमारी कंडीशन नहीं मानी उनको पिछले 6 महीने जो हम चीजें इस्तेमाल कर चुके हैं उन पर टैक्स बढ़ाया जाए, और हर चीज की कीमत में एकदम से वो 1-4% इजाफा नहीं होगा, एक बड़ा इजाफा होगा, जिससे ऑलरेडी जिस तरह बताया कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन टॉप पर है,
ऑलरेडी पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक इंडिकेटर वर्स्ट होते जा रहे हैं, और अगर हम आईएमएफ की चार कंडीशन माने तो इससे हालात बेहतर होने की बजाय मजीद खराब होंगे। लेकिन हमारे पास आईएमएफ के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में सिर्फ आईएमएफ पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस क्राइसिस से निकाल सकती है, जबकि लॉन्ग टाइम के लिए हमें अभी से सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना होगा, हमें इकोनॉमिक इंडिकेटर पे फोकस करना होगा, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे फोकस करना होगा, अदरवाइज अपने जो लोग हैं इनको या पाकिस्तान की जो मईशत है इसको आप इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकाल कर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।